जालौन की कालपी और स्वाट टीम ने सर्विलांस टीम की मदद से 5 अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो रात के अंधेरे में हाईवे पर खड़े होकर ट्रक वालों को निशाना बनाकर उनका ट्रक लूट लेते थे और उनके पुर्जों को अलग अलग कर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के इलाकों में बेच आते थे। पकड़े गए शातिर चोरों के पास से लूटा गया ट्रक और अवैध हथियार बरामद हुए, जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। इनसे जब गहनता से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बताया कि ट्रक को भदोही, ट्रक में जो ईंट लदी थी उसको भदोही में बेचा गया था और उसमें ट्रक को खरीदने के लिए एक ग्राहक सिलीगुड़ी से आ रहा है और वो फतेहपुर में मौजूद है। हमारी टीम गई है और गिनती के पास से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो घटना में लूटी गई ट्रक थी उसको भी बरामद किया गया है। उरई जालौन कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच द्वारा पुरानी बहाली की मांग को लेकर 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार व तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान धरना प्रदर्शन के साथ विभिन्न कार्यालयों में बैठकों का आयोजन भी किया जाएगा। आज प्रदेश गवर्नमेंट कहती है या केंद्र गवर्नमेंट कहती है कि हम विकसित हो रहे हैं, हम प्रगतिशील हो रहे हैं, कहां आज हमारे जो है जो हमको पेंशन मिलती थी उसका भी हनन हो गया, आज वो बंद हो गई, कल ये सरकार पता नहीं क्या बंद ना कर दे, तो सरकार की ऐसी मनमानी नीति को लागू नहीं होने देंगे। ये प्रदेश का आह्वान है, पुरानी पेंशन बचाओ, बहाल करो। सिरसिया के सर्रा बोजी में हुआ था उपचुनाव, 3 लोग आजमा रहे थे अपनी किस्मत। पुष्पा देवी 83 मतों से हुई विजय, विजयी रही महिला को आरओ ने सौंपा प्रमाण पत्र। एडीएम एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस मतगणना स्थल पर रही मौजूद। इकोना बाजार से सामान लेकर घर जा रहे साइकिल सवार 12 वर्षीय राकेश पुत्र हितवारी निवासी डेरा अकबरपुर को ट्रैक्टर ट्राली ने रौंदा, किशोर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची डायल 100, शव को कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई। राजस्व वसूली व विद्युत चोरी पकड़ने के लिए निकले अवर अभियंता व अन्य कर्मियों ने छापेमारी के दौरान एक गांव में विद्युत चोरी करते 15 लोगों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ सिरसिया थाने में तहरीर दी गई। जनपद में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्र अधिकारी भिनगा के नेतृत्व में थाना कोतवाली भिनगा द्वारा एक मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली भिनगा दुनिया में अभियोग पंजीकृत कर जेल रवाना कर दिया। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला का हुआ विदाई समारोह, पुलिस कर्मियों ने दी विदाई। बीती शाम शासन ने एसपी अशोक कुमार का कासगंज किया था तबादला। चंद माह के ही कार्यकाल में एसपी ने श्रावस्ती जिले की जनता में छोड़ी अपनी साफ सुथरी छाप। इस दौरान एएसपी, सीओ, थाना प्रभारी आदि लोग रहे मौजूद।